तो गाइज अभी हम हैं उत्तराखंड में कान्हा ताल में। तो अभी यहाँ का मौसम चेक करूँ कितना धुंध हो रखी है, ठंड हो रखी है, मौसम इतना अच्छा हो रखा है गाइज। और ये यहाँ पे स्टे है, जो रात को स्टे किया था वो यहाँ पे होटल है ये। और व्यू चेक करो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अगर कोई आना चाहे भाई तो आओ, ये मंसूरी के रास्ते में ही पड़ता है, ऊपर मंसूरी है इससे आगे। तो ये भी अच्छी जगह है, प्लेस अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और नेचर भी अच्छा है, यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं। तो ये जगह है भाई, देखो ये होटल है एक, और एक ये है। तो अभी हम इसमें रुके हुए हैं नीचे, और इतना बढ़िया व्यू है। तो चेक करो गाइज व्यू, ये जो होम स्टे है यहाँ पे रूम वगैरह रिजनेबल प्राइस में अच्छे मिलते हैं, खाना भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है और स्टाफ भी अच्छा है। तो मंसूरी, अगर आप मंसूरी आ रहे हो तो बीच में आप स्टे कर सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छा ही फील होगा। तो दोस्तों आ जाओ, करते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करके हम मिलेंगे सीधा मसूरी में, वहीं से वीडियो आएंगी गाइज, क्योंकि अभी ड्राइव करनी है। तो चलो गाइज मिलते हैं मसूरी में। तो गाइज पहुँच गए मंसूरी, ये होटल है मंसूरी का। और ये देखो गाइज, ऊपर भी गाड़ियाँ चल रही है, नीचे भी गाड़ियाँ चल रही है, देखो वो बस खड़ी, कोई कॉलेज वगैरह है यहाँ पे। और ये देखो ये होटल है, और ये नीचे देखो दिख रहा है रोड, देखो अच्छी जगह है भाई। अगर घूमना चाहो तो आ सकते हो यहाँ पे मंसूरी में, मंसूरी हो गया, धनकोट हो गया, जगह अच्छी है। बस बारिश के टाइम पे थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि बारिश के टाइम पे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे रोड वगैरह ब्लॉक होने की समस्या हो जाती है। गर्मियों में जैसे जून जुलाई का महीना है ना, उसमें आओ, बारिश कम मिलेगी और यहाँ पे मौसम अच्छा मिलेगा, ठंडा ठंडा मौसम मिलेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी। और अभी देखो यहाँ पे कितना अच्छा वो है, ये है ना ऊपर जो दिख रहा है, बादल हैं भाई, ये कोई धुंध वगैरह, बादलों के बीच में आ रखे हैं। तो कितने हरियाली है, और ये देखो पेड़ कहाँ पे है, ये उस पे फ्रूट भी लगा है, ये देखो पूरी दीवार वगैरह सब पे हरियाली हरियाली दिखेगी यहाँ पे। ये दीवार है ना पूरी, इस पे ना मतलब पौधे वगैरह पेड़ वगैरह उग जाते हैं ना, घास वगैरह पूरा ऐसी चारों तरफ को ऐसे ही दिखेगी भाई। और ये देखो ये गाड़ियाँ ऐसे हैं, अच्छा है देखने में घूमने में, और बिल्कुल शांत स्वभाव मिलेगा यहाँ पे, नेचर का भी लोगों का भी ज़्यादा वो नहीं है, और अच्छा है घूमने के लिहाज से। तो ये देखो गाड़ियाँ कैसे आ रही हैं, ये गाड़ियाँ यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे जाएंगी ऐसे। हाइट तो बहुत ज़्यादा भाई, अभी पता मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हाइट है। अगर किसी को पता हो मंसूरी की हाइट का तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस ये है होटल जिसमें आज स्टे रहेगा नाइट को, और ये है मंसूरी में कुछ ऐसा आसपास का यहाँ का व्यू है। ये देखो बादल उड़ रहे हैं ना, ये फॉग है, ये बादल है, ये बिल्कुल बादलों के अंदर है, देखो ये पूरा बादल है, ये भाई ऊपर देखो ये बादल है, फॉग नहीं है, बादल है प्योर। ऐसा है ये यहाँ पे। तो अभी जाएंगे घूमने थोड़ी देर में, ये नीचे का व्यू है। ये होटल रहेगा, ये पार्किंग होटल के ऊपर, ये होटल सामने अंदर जाके।
मंसूरी का व्यू चेक करो गाइज, कितना अच्छा है। नेचुरल यहाँ पे कोई वो नहीं है भाई, एसी वगैरह की जरूरत है बिल्कुल। इतनी ठंडी ठंडी हवा है, नेचुरल प्योर बिल्कुल। तो आओ घूमने अगर मन है तो। तो गाइस अभी आए हैं लाल टिब्बा नाम की जगह है मंसूरी में, और व्यू चेक करो गाइस, देखो बहुत ज्यादा चढ़ाई है भाई यहाँ पे। गाड़ी है ना दूसरा गियर नहीं पकड़ रही, पहले गियर में चढ़ानी पड़ती है। ये आने का वन वे है, और यहाँ से आएंगी गाड़ियाँ और यहाँ जाएंगी। देखो ये लगी गाड़ियाँ, पूरी गाड़ियाँ ये निकलेंगी ना तब आगे। तो ये देखो, तो चलो दोस्तों देखते हैं आगे। अभी जा रहे हैं, एग्जिट करेंगे यहाँ से, और ये जो जगह है अभी देख रहे हो आप, ये है लाल टिब्बा। और यहाँ पे भाई बेकरी है जहाँ पे सैंडविच वगैरह पिज्ज़ा वगैरह मिलते हैं ना, वो है यहाँ पे। मतलब कैफे, कॉफ़ी कैफे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना इतनी चढ़ाई करके आनी पड़ती है इनके लिए। और देखो इस चीज़ के लिए लाइन लग रही है भाई, ये गाड़ियों की उसी चीज़ के लिए लाइन लग रही है, कॉफ़ी कैफ़े के लिए, बेकरी के लिए बस। और वहाँ पे भी एक घंटा लाइन में खड़ा होके नंबर आता है। तो अभी आप रास्ता एंजॉय करो। ये है ऊपर जो जगह देख रही है लाल टिब्बा मंसूरी में, कुछ ऐसे प्लेस है यहाँ पे। ये नीचे भी कुछ बना रखा है, और ये जाने का ये है रास्ता भाई। तो ये देखो बीच में यहाँ पे कोई छोड़ गया है, इसको लॉक कर दिया गाड़ी को। तो अभी गाड़ी के पास खड़े हैं, और ये देखो जगह यहाँ से नीचे आएंगे ऊपर ना उस साइड को है वो, वहाँ से नीचे आके ये जाने का है। और जो जगह बता रहा हूँ वो ऊपर है लाल टिब्बा, वहाँ से है वो जो गाड़ी है, वो वहाँ से आने के हैं और यहाँ से आउट है। तो भाई अभी भी चेक करो, बारिश हुई थी अभी, थोड़ा चल के देखेंगे वहाँ पे रोड है ना यहाँ। चेक करो भाई, देखे गाड़ी आ रही ना नीचे। तो गाइस ये है मंसूरी की मार्केट, अभी ये देखो ऊपर भी है, और ये यहाँ से ये भी चेक करो, पूरा पहाड़ी एरिया में ऐसी मार्केट रहती है। तो अभी बारिश होके रुकी है, तो आगे देखेंगे, वापिस ही चलते हैं ऊपर, तो ज़्यादा फिर दूर हो जाएगा होटल से। तो आपको दिखाते हुए चलूँगा, ये मार्केट है भाई देख लो गाइस ऊपर का। तो
अभी टाइम हो गया है 9:45 का। ये देखो बंद होने को है मार्केट, भी आधी तो बंद ही हो चुकी है। चलो थोड़ा थोड़ा व्यू दिखाते चलता हूँ आपको। मौसम देखो गाइस ये ऊपर, और ये यहाँ पे मंसूरी की मार्केट का रोड, ये कुछ ऐसे मार्केट है। ये पुलिस चौकी है, मौसम अभी तो ठंड कम हो गई बारिश की वजह से, नहीं तो ठंड हो जाती। मतलब कल रात को ना ठंड थी इस टाइम पे। तो ये गिफ्ट शॉप है गाइस, देखो यहाँ पे लकड़ी की बना रखी है, गिफ्ट शॉप है ये गाइस। गुड मॉर्निंग, और आज है संडे 21 जुलाई, और व्यू चेक करो गाइस मंसूरी का। रात को बारिश हुई थी तो यहाँ पे देखो फोग, अभी रोड खाली पड़ा बिल्कुल। हाँ अभी पूरा रोड खाली पड़ा है, रात को ही रोड था जहाँ पे हम आए थे ना। तो ये है गाइस पार्किंग, और यहाँ पे ये पीछे है शॉप्स वगैरह हैं। ये देखो चाय वगैरह की, यहाँ पे चाय पियेंगे फिर। ये देखो ये यहाँ पे देखो शॉप्स बना रखी है चाय वगैरह की है। मंसूरी का नजारा देखो भाई, वो मंदिर है। चलो अभी मिलते हैं आगे, मौसम इंजॉय करो। अभी व्यू देखो ऊपर देखो, सर्कुलेंट लगा रखे हैं भाई देखो पूरी बिल्डिंग पे। नीचे का व्यू चेक करो भाई, नीचे घर है वो पूरे देखो, वहाँ पे दिख रहे ना पूरे घर बना रखे हैं वहाँ पे। और ये दलान चेक करो, यहाँ पे व्यू चेक करो देखो भाई कितना हो आ रहा है। चलते चलते बना रहा हूँ, भी थोड़ी सेव करेगी वीडियो, वहां से आएगा अच्छा व्यू। देखो भाई व्यू, तीन सौ साठ डिग्री लेते हैं अभी यहाँ से। ये देखो दीवारों पे भी पौधे ही पौधे हैं। तो भाई पहुंच गए हैं देहरादून, और ये है क्लॉक टावर ऑफ देहरादून जिसको घंटाघर बोलते हैं। तो भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो गाइज करते हैं व्लॉग को एंड। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।